कोरोना को देखते हुए पूरे झारखंड में गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है। वहीं अगर हम निजी स्कूलों की बात करें तो वहां खुलेआम गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऑफिस आवर तो छोड़ दीजिए, रविवार तक को प्राइवेट स्कूल अवकाश नहीं छोड़ रहे हैं और रविवार को भी बच्चों को जान जोखिम में डालकर स्कूल बुलाकर प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जा रहा है। मामला है बोकारो के सेक्टर 4 के डीएवी स्कूल की, जहां सरकार और जिला प्रशासन के आदेश को ठेंगा दिखाया जा रहा है। खबर जब मजिस्ट्रेट को मिलती है तो मजिस्ट्रेट भी पहुंचते हैं, लेकिन उनको भी गेट के बाहर आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर स्कूल में प्रवेश करवाया जाता है। स्कूल के गेट पर ना तो सैनिटाइजर की व्यवस्था है और ना ही थर्मल स्कैन की। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। वहीं करीब 4 घंटे से इंतजार कर रहे अभिभावकों का भी हौसला जवाब दे जाता है और उनका भी गुस्सा देखने को मिलता है। छात्र छात्राएं और अभिभावकों की लाचारी और गुस्से का अंदाजा आप उनकी बातों से लगा सकते हैं। जबकि सरकार मानवता को शर्मसार कर दिया स्कूल प्रबंधन। किसी का जिंदगी से कोई मतलब नहीं, लोगों आप मर जाइए, खप जाइए, बर्बाद हो जाइए, कोई लेना देना नहीं। केवल उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है, उनका जो लो बोलता है, वही करेंगे। और उनका लो जो है वो भारत सरकार झारखंड सरकार से ऊपर चल रहा है। तो अभी ऐसा कोरोना का हालत है, फिर भी आप लोग स्कूल आ रहे हैं, क्या ये सही है? सही, मार्क्स सब पर डिपेंड करता है, 12th है, कोई नहीं बर्बाद करना चाहेगा। कितना बच्चा लोग आया हुआ है स्कूल में? जिसका जिसका होगा प्रैक्टिकल सब आएगा। तो हमको से यही चीज पता चला कि वो जो पटना के जोन का, मतलब जो हेडक्वार्टर सीबीएसई का पटना जोन का, वहाँ से लोग टीम आया हुआ है। वो फिजिकल का ही लोग मतलब प्रैक्टिकल ले रहे हैं, और कोई केमिस्ट्री वगैरह का कुछ नहीं चल रहा, मतलब फिजिक्स वगैरह किसी का नहीं चल रहा है। फिजिकल के बाद ये लोग का बंद हो जाएगा। 3 दिन का टारगेट दिया था ये लोग सीबीएसई का, तो हम बोले कि यही बात बोले कि अभी तक यदि मान लेते हैं कि सब एग्ज़ाम स्थगित करने का बोला गया है तो आप लोग क्यों नहीं किए हैं? तो बोले कि सभी जगह पर हो रहा है ऐसा। यहाँ आप क्या पाए सर? संडे में भी बुला करके और नहीं, ये तो मैंने बोल दिया इन लोगों की संडे को नहीं करना, लेकिन इन लोगों का शेड्यूल पहले से डिफाइन है, वो हमको डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल करवाएं, वो पहले से बना हुआ था। सर कितने बच्चों के जान से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं सर? जिस तरीके से बच्चे, आपने भी देखा है, आपके सामने भी बच्चे निकल रहे थे स्कूल से, और हमें जो जानकारी मिली थी कि करीब 500-600 बच्चे स्कूल में थे सुबह से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का एक शेड्यूल होता है, शेड्यूल में जो रहेगा रोल नंबर वाइज होता है। तो रोल नंबर में मैंने देखा कि 50 लड़के का है एक दिन में, 50 लड़के का, उससे ज़्यादा कैसे ले सकते हैं सर? ये तो साफ तौर पे जो है हमारे कैमरे को झुठलाने की बातें हैं सर, क्योंकि हम भी देख रहे हैं, हम भी यहाँ पिछले 2 घंटे से खड़े हैं। आप देखिए ना, यहाँ पर 16-17 तारीख है, 30 बच्चे और 20 बच्चे का, 2 हाफ में करके लेना है इन लोगों को। मतलब कुल मिलाकर आप क्या कहेंगे, जो आपने अंदर गए, आपने क्या जाँच किया, क्या देखा सर? वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। हाँ वो ठीक है, बाद में देख लेंगे सर। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, हम भी देख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अंदर में हो रहा है, सैनिटाइजर वगैरह सब मैंने जाकर देखा है, उसका फोटो भी मैंने लिया। मतलब कुल मिला के आप संतुष्ट हैं? हाँ, मतलब नियम का उल्लंघन नहीं है। तो बच्चे और गार्जियन जो बोल रहे हैं, कुछ हिदायत अपने तरफ से दिए हैं स्कूल में, क्या क्या दिया? ये है कि जो स्ट्रेंथ आप 50 का ले रहे हैं उसको हाफ कर दीजिए, आप हाफ करके लीजिए, अब 2-4 दिन जितना ज्यादा एक्सटेंड होता है एक्सटेंड करिए आप उसको। नहीं, एक तरफ कोरोना, दूसरे तरफ स्कूल का एग्जाम, क्या जरूरी है? एग्जाम नहीं है ये तो 15-10 मिनट का फिजिकल टेस्ट हो रहा है। तो बच्चे का विभाग तो बोल रहे सर कि एग्जाम लिया जा रहा है। नहीं नहीं, एग्जाम नहीं है पूरा। जब सीबीएसई ये कर रहा है, बंद कर रहा है, प्रमोट कर रहा है उनको, पूरा गाइडलाइन आ रहा है, एसओपी आ रहा है, तो उस दौरान एग्जाम क्या कितना ये मतलब रिटेन एग्जाम या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है, फिजिकल टेस्ट ही लोग का एक होता है, उसी को ही लोग कर रहे हैं। अपना जो कॉलम होता है इन लोग का फुलफिल होता है, फिजिकल एक कॉलम होता है, फिजिकल में कैसा बच्चा है उसको लेकर के ये लोग अपना करवा रहे हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।